17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए कारीगरों ने इसे खूब सराहा है। दूरदर्शन से बातचीत में इन कारीगरों ने बताया कि वे अपने हुनर के आधार पर जहां खुद को स्थापित कर सकते हैं, वहीं नई पीढ़ी को भी हाथ के हुनर से काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मूर्तिकार आलोक सिंह और लकड़ी के कारीगर जगदीश ने बताया कि इस योजना के तहत उन्हें अपने काम को स्थापित करने के लिए नई नई मशीनरी और औजार खरीदने में आसानी होगी। शिल्पकार हूँ, मूर्तिकार हूँ मैम, तो कई प्रकार के काम करते हैं हम लोग, तो उस चीज में हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे टूल किट हो गई, मशीनें मिलेगी, अदर बेनिफिट मिलेगा, तो इससे फायदा ही हो जाएगा मैम सबके लिए। बहुत बढ़िया योजना है, पूरे प्रोग्राम में इस योजना से बेनिफिट होगा मैम। मशीनें आएगी, टूल्स आएंगे, और आज से मतलब वो एक ज़्यादा टेक्नोलॉजी से काम कर सकता है हाथ वाला कलाकार मैम। तो मेरे को इस योजना से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा हमें कारपेंटरों को। जितना भी मेरा काम, एक मिस्त्री लेवल का मैं काम करता हूँ, मैं कारपेंटर हूँ जी, मैं लकड़ी का काम करता हूँ जी, तो मेरे को लगता है इन चीज़ों से जो योजना बनी है काफ़ी ज़्यादा हमारे को लाभ होगा जी। मतलब जो भी हम काम करते थे तो हम पहले हाथ से काम करते थे, अब आज की डेट में हमें जो है लगता है कि जो हमें मोदी जी ने स्कीम दी है तो अच्छे से अच्छे जो है मतलब हमारे को जो टूल्स मिलेंगे, इससे हमारा अच्छा काम चलेगा जी।